अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप नेशन बिल्डर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वन कनाल मॉडर्न गैलरी या डिज़ाइन हाउस है। 50x90 फीट इस घर की डायमेंशन है। 50 फीट वाइड स्ट्रीट रोड पे ये घर लोकेटेड है। पार्क, सेक्टर शॉप और मस्जिद इस घर के बिल्कुल करीब है। आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं जिसपे टाइल यूज़ की गई है और इसके अलावा स्टोन वर्क भी किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट पे एक बेडरूम दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे बेडरूम दिया गया है और राइट साइड पे उसका बाथरूम दिया गया है। स्टोन वर्क किया हुआ है, खूबसूरत इसमें आपको टाइल नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत इस घर का इंटीरियर किया गया है। 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। आप इसका ये एक्सटर्नल गार्डन देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत खूबसूरत प्लांटिंग नज़र आ रही है। फुटबॉल प्लांटर लगाए गए हैं और स्टोन पीसेस के साथ वॉल पे स्टोन वर्क किया हुआ है। लाइट्स दी गई हैं और डार्क ग्रे कलर की टायर लगाई गई हैं। पूरे घर की वॉल पे इलेक्ट्रिक फेंस और सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। ये देखें जी, सॉलिड स्टील का इसका मेन गेट दिया गया है। कार रैंप और गैराज पे सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है। 4 कार्स आप यहाँ पर ईजिली पार्क कर सकते हैं। इसकी आउटर वॉल पर रॉक वॉल की गई है और ये सामने देखें जी, इसमें मोज़ेक पैटर्न पे आयत करीमा दी गई है। इसके साथ में 5.5 फीट की पैसेजेस वॉल दी गई है। सीलिंग में आप देखें तो वुडन क्लैडिंग के साथ लाइट्स भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। बहुत डिसेंट इस जगह को डिज़ाइन किया गया है। इनसाइड ये गार्डन दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें प्लांटिंग की गई है। वॉल के साथ लाइट्स, लोअर पैनल और स्टोन वर्क किया हुआ है। खूबसूरत इसमें आपको प्लांटर नज़र आ रहे हैं। ये जी इसकी मेन एंट्रेंस है। ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं और यहाँ देखें आपको लेफ्ट साइड पे स्टोन वर्क नज़र आ रहा है। सॉलिड एशवुड का इसका मेन डोर दिया गया है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 12 फिट है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस डबल हाइट लॉबी। राइट साइड पे स्टेयरकेस दी गई है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए और लेफ्ट साइड पे घर में एंटर होते ही आपको ड्राॅइंग रूम और डाइनिंग रूम कम्बाइन मिलते हैं। डाइनिंग रूम से किचन को भी एक्सेस दी गई है। सामने टीवी लाउंज दिया गया है और ये देखें जी, ये स्टेयरकेस ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं और सामने आप वॉल देखें इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है और मेड में देखें जी बड़ा खूबसूरत ये शैंडेलियर दिया गया है और स्टेयर के नीचे पाउडर रूम दिया गया है। मैं आपको पाउडर रूम दिखा दूँ, ये देखें जी पाउडर रूम। सामने इसकी वैनिटी ओवल शेप में मिरर दिया है और इस साइड पे वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। डिसेंट यहाँ पे टाइल यूज़ की गई हैं, साथ में आपको विंडो नज़र आ रही है। फुल हाइट की ये लॉबी है, आप देख सकते हैं लॉबी में शैंडेलियर दिया गया है। सामने मेन डोर दिया गया है और इसके बिल्कुल साथ में ये सामने ड्राॅइंग रूम और डाइनिंग रूम कम्बाइन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये डोर नज़र आ रहा है। सामने किचन दिया गया है, मोल्डिंग और इटालियन पेंट के साथ ये वॉल डिज़ाइन की गई है। हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं, ब्रास का पैटर्न नज़र आ रहा है। मेड में फायरप्लेस दी गई है। टाइल का बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको एक पीस नज़र आ रहा है। सामने चिलर दिया गया है। सामने आपको गार्डन का व्यू भी नज़र आ रहा है। इस साइड पर आप गैराज भी देख सकते हैं। ये देखें जी, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम कंबाइन। मेड में बड़ा खूबसूरत शैंडेलियर दिया गया है और बहुत ही डिसेंट और फैंसी इसमें आपको फैंस इंस्टॉल मिलते हैं। वुडन फ्लोरिंग की गई है, सॉलिड वुडन के इसके डोर डिज़ाइन की गई है। मेड में ग्लास दिया गया है और ये लॉबी, लॉबी के बिल्कुल सामने देखें जी ये टीवी लॉन्च। लॉबी की स्पेस ओपन दी गई है, आप अपनी मर्जी से इसमें पार्टीशन भी कर सकते हैं। सामने कॉरिडोर दिया गया है, दोनों आपको बेडरूम यहाँ पे मिलते हैं। ये इसकी मीडिया वॉल दी गई है, आप देखें बहुत ही खूबसूरत इसमें स्टोरेज स्पेस के साथ वॉल में डिसेंट डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ भी आपको टाइल का एक बहुत बड़ा पीस मिलता है और यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिलती है। सामने आपको विंडो दी गई है। ये इस साइड पे वॉल माउंटेड लाइट्स, चिलर्स, सामने लॉबी आप देख सकते हैं। यहाँ भी डिसेंट सेम फैन इंस्टॉल किए गए हैं और मेड में ये शैंडेलियर दिया गया है। सामने आप देखें तो आपको ये इस घर का इटालियन किचन आप देख सकते हैं। डार्क ग्रे कलर के साथ वाइट
टाइल का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन, सामने डाइनिंग रूम में एक्सेस दी गई है, एमराल्ड पर ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है, मेड में ये बर्नर दिया गया है, इसकी वॉल पे टाइल यूज़ की गई है और यहाँ पे देखें विंडो भी आपको नज़र आ रही है, सिंक भी दिया गया है और ये देखें जी इसके साथ में ये इसका शेफ किचन, ये उसकी एंट्री दी गई है, सामने विंडो सिंक दिया गया है, इसका भी सेम ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है, इस साइड पे आपको कुकिंग रेंज मिल जाती है, बर्नर दिया गया है और ये जी आपका मास्टर किचन। आप इसकी ये वॉल देखिए, इसमें इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज दिया गया है, इसके साथ में एक्सेसरीज दी गई हैं और ये देखिए जी सामने टीवी लाउंज के साथ ये कॉरिडोर और राइट साइड पे मास्टर बेडरूम, ये फर्स्ट किड्स गेस्ट बेडरूम, वुडन फ्लोरिंग की गई है, सामने आपको विंडो नज़र आ रही है। ये देखें जी इसका अटैच बाथरूम आप देख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट इसकी वॉल पे टाइल यूज़ की गई है, ये सामने वैनिटी देख सकते हैं, विंडो दी गई है, एमराल्ड पर ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है और यहाँ बहुत ही डिसेंट आपको मिरर मिल जाते हैं। ये देखें जी इस वॉल पे भी सेम टाइल यूज़ की गई है, वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, यहाँ पे यह आपको शावर कैबिन नज़र आ रहा है, टॉप में देखें जी रेन हेड शावर दिया गया है, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है और ये पूरी वॉल में आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। ये जी इस घर का फर्स्ट बेड, आप सामने इसकी वॉल देखें, ये बेड वॉल मोल्डिंग की गई है, हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं और सामने आपको एसी नज़र आ रहा है। कॉरिडोर में दूसरी तरफ ये सामने सेकेंड मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसकी वॉल पे भी सेम मोल्डिंग और पेंट के साथ ये वॉल डिज़ाइन की गई है, सामने ये इसकी बेड वॉल मेड में वुडन क्लैडिंग की गई है मोल्डिंग के साथ में, बहुत ही डिसेंट लिफिंग के साथ लाइट्स दी गई हैं, यहाँ पे आपको एसी नज़र आ रहा है। ये सामने इसका अटैच बाथरूम, स्टार्ट में ही आपको वार्डरोब मिल जाती हैं और ये सामने देखें जी जकूजी नज़र आ रही है, ये इसकी वैनिटी, यहाँ भी ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है, बहुत ही डिसेंट शेप में ये मिरर डिज़ाइन किया गया है, ग्रोही की एक्सेसरीज नेश के साथ, सामने साइड पे आपको विंडो नज़र आ रही है, ये इसका शावर कैबिन, टॉप में रेन हेड शावर दिया गया है, यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है और यहाँ देखें दोनों साइड पे आपको वार्डरोब मिल जाती है जी। तो व्यूअर ये इस घर का सेकंड बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे इस घर में दो बेडरूम दिए गए हैं, टीवी लाउंज के अपोजिट किचन दिया गया है, मेन ये सामने डबल हाइट लॉबी आपको नज़र आ रही है जिसमें राइट साइड पे ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम कंबाइन दिए गए हैं और ये स्टेयर केस दी गई हैं। चलते हैं अब इस घर का फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, ये देखें जी इस टेम्पर्ड ग्लास की इसकी रेलिंग दी गई है, वुडन का फ्रेम और गैलेक्सी जेट ब्लैक ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। ये जी आप वॉल देखिए, इटालियन ट्रेवर्टाइन मार्बल यूज़ किया गया है, ये डबल हाइट लॉबी जिसमें बड़ा खूबसूरत ये शैंडलियर दिया गया है, सामने देखें जी आपको सेंट्रल टेरेस नज़र आ रहा है और इस साइड पे देखें फ्रंट साइड पे एक बेडरूम दिया गया है, ये थर्ड बेडरूम है और टेरेस के बिल्कुल साथ में यहाँ पर आपको फोर्थ सामने विंडो नज़र आ रही है, इस घर में फोर्थ बेडरूम, कॉरिडोर में दोनों बेडरूम दिए गए हैं और ये देखें जी ये टीवी लाउंज के साथ में ही किचन दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं और ग्रेनाइट का सेम टॉप, बॉटम और टॉप में आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मेड में ये बर्नर दिया गया है, सामने सिंक दिया गया है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आपको टॉप में एसी भी नज़र आ रहा है, डिसेंट इसमें आपको सीलिंग नज़र आ रही है, मेड में ये बड़ा खूबसूरत शैंडलियर दिया गया है और कॉरिडोर में चलते हैं, मैं आपको दोनों बेडरूम दिखा दूं। ये देखें जी छोटी सी डिवाइडर, यहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं और ये इस घर का थर्ड बेडरूम, वुडन टेक्सचर की टाइल यूज़ की गई है, सामने आप देखें जी ये विंडो दी गई है और ये देखें जी ये इसकी बेड वॉल हैंगिंग लाइट्स और मोल्डिंग के साथ डिज़ाइन की गई है, सामने डोर दिया गया है, इसके साथ में एसी और इस साइड पर देखें आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। ये जी इसका अटैच बाथरूम आप देखें, डार्क कलर में इसको डिज़ाइन किया गया है, ये इसकी फ्लोरिंग और यहाँ देखें ये सामने आपको वैनिटी नज़र आ रही है, इसके साथ में मिरर दिया गया है, वॉल पे
यहाँ पे स्टोन यूज़ किया गया है, ये इसकी सीलिंग। और इस साइड पे देखें जी, यहाँ पे आपको ये वॉल माउंटेड कमोड मिलता है, ये शावर कैबिन दिया गया है, ग्रोही की एक्सेसरीज, टॉप में रेन हेड शावर दिया गया है। ये जी इस घर का थर्ड बेडरूम, आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। ये सामने फोर्थ मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसमें भी सेम वुडन टेक्सचर की टाइल यूज़ की गई है, वॉल पे ग्रीन पेंट किया गया है, हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं। सामने देखें जी, सिंपल डिसेंट ये वॉल डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे एसी और बाथरूम का डोर दिया गया है, सामने सेंट्रल टेरेस में विंडो ओपन होती है। पूरे घर में स्मोक डिटेक्टर यूज़ किए गए हैं। ये जी अटैच बाथरूम आप देखें जी, मिरर शेप की फ्रंट के साथ ये इसकी वार्डरोब डिज़ाइन की गई है। ये देखें सामने आपको बहुत ही खूबसूरत ये वैनिटी मिलती है, बैकलाइट के साथ टाइल का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन, जिसमें ये आपको मिरर मिल जाते हैं। और सामने देखें जी, ये नेक्स्ट भी है लंबरगिनी टाइल के साथ, यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड मिलता है। सामने भी सेम पैटर्न की वॉल में इस बाथरूम में टाइल के साथ डिज़ाइन की गई है, और शीशे का इसका फ्रंट डिज़ाइन किया गया है। ग्रोही की एक्सेसरीज, टॉप में देखें यहाँ पे आपको रेन हेड शावर मिल जाता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। वॉल पे डार्क कलर की टाइल यूज़ की गई हैं, ये वैनिटी। और यहाँ देखें जी, आपको ये वार्डो मिल जाती हैं दरवाजे के पीछे। ये इस घर का फोर्थ बेडरूम, और इसके साथ में जी सामने आपको सेंट्रल टेरेस मिलता है। टीवी लॉन्च के बिल्कुल सामने ओपन स्पेस दी गई है, ये सेंट्रल टेरेस आप देख सकते हैं, इसमें प्लांटिंग की गई है। फोर्थ बेडरूम में आपको विंडो नज़र आ रही है, हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं, वॉशिंग के लिए टैब दिए गए हैं, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगेन ये सामने आप लॉबी देख सकते हैं, इसमें भी वुडन टेक्सचर की टाइल यूज़ की गई है। सामने आप देखें जी, फ्रंट साइड पे ये विंडो दी गई है, और ये इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है, इसमें आपको वुडन और वेलवेट के साथ ये वॉल डिज़ाइन मिलती है। सामने ये विंडो दी गई है, सेंट्रल टेरेस में ओपन होती हैं। यहाँ देखें जी, आपको एसी नज़र आ रहा है, और ये इसका अटैच बाथरूम, इसमें आपको ऑफ वाइट कलर की टाइल फ्लोरिंग मिलती है, वॉल पे इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। ये सामने वैनिटी देखिए जी, ब्रास पैटर्न के साथ इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है, साथ में इटालियन मार्बल। और सामने देखें जी, जकूजी दी गई है, यहाँ भी आपको ग्रेनाइट और मार्बल का यूज़ नज़र आ रहा है, ये शावर कैबिन दिया गया है। ये देखें जी, यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, पूरी वॉल में आपको वार्डो मिलती हैं टॉप तक, सामने इस साइड पे विंडो दी गई है। जी तो व्यूअर, ये वन कनाल गैलरी या डिज़ाइनर हाउस है, 8.75 करोड़ इस घर की डिमांड है, 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है, 2 सर्वेंट क्वार्टर बाथरूम बेसमेंट में दिए गए हैं, 4 बेडरूम 4 कार की इसमें आपको पार्किंग स्पेस मिल जाती है। ये घर फेज 7 DH लाहौर में लोकेटेड है, आप विज़िट करना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।